आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें एक प्रेमी बस अपने प्यार के लिए मरने के बाद भी इसी दुनिया में रुका हो। पर आज मैं आपको दो दोस्तों की दोस्ती का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक दोस्त की दोस्ती ने दूसरे दोस्त की रूह को मरने के बाद भी यहीं रहने पर मजबूर कर दिया। ये आज से करीब 16 साल पुरानी एक सच्ची घटना है। रणधीर और अजय बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो करीब 8 सालों से एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स होने के साथ साथ रूममेट्स भी थे। तब जून का महीना चल रहा था और अजय को मलेरिया हो गया। चूंकि जल्द ही कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी, इसलिए रणधीर ने अजय को गांव जाने की नसीहत दी। अजय भी मान गया और वापस अपने गांव चला गया। 5 दिन बाद जब छुट्टी हुई तब रणधीर भी अपने गांव चला गया। 1 महीने बाद जब रणधीर वापस आया तो उसने देखा अजय पहले ही वापस आ चुका है। रणधीर अजय से बोला, भाई कैसा है, कब आया? अजय, 2 दिन पहले ही आ गया, तबीयत ठीक हो गई थी। अगले दिन सुबह जब रणधीर उठा तो उसने देखा कि अजय पहले ही उठ गया है और उसने नाश्ता भी तैयार कर दिया है। वो कॉलेज के लिए तैयार हो गया पर अजय तैयार ना हुआ। उसने अजय से पूछा, क्यों भाई कॉलेज नहीं जाना? नहीं यार, अब थोड़े दिन अभी रूम पे ही रिवीजन करना है। रणधीर चला गया। रणधीर को अब अजीब लग रहा था क्योंकि 10 दिन होने के चले थे पर अजय कॉलेज जाने का तैयार ही नहीं होता था। वो बस घर में ही पड़ा रहता था। एक दिन रणधीर ने फिल्म देखने की प्लानिंग की पर अजय ना माना। बहुत जिद करने पर वो तैयार हुआ पर बस रात के 9 के 12 वाले शो के लिए। रात करीब 8:30 बजे वो तैयार होकर रूम लॉक करके निकले। थोड़ी ही दूर चलने पर रणधीर बोला, भाई मैं टॉर्च तो घर पे ही भूल गया, कहीं रास्ते में बिजली कट गई तो यार पूरा अंधेरा हो जाएगा। अजय बोला, तू रुक मैं लेके आता हूँ। अजय वापस रूम पे चला गया। वो फौरन टॉर्च ले आया और वो सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रणधीर को याद आया कि रूम की दोनों चाबियां तो उसके पास है, तो फिर अजय टॉर्च कैसे लाया? उसने अजय को कुछ ना कहा पर वो घबरा गया। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। उसने अजय से पूछा, भाई टॉर्च कहाँ रखा हुआ था? अजय बोला, वही स्टडी टेबल पे था। रणधीर अब बेहद डर चुका था। उसे ये तो समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस रात वो फिल्म देख के वापस आया और सो गए। अगले दिन रणधीर सुबह ही घर से निकला। वो पास के पीसीओ पे गया और अजय के घर पे फोन किया। हेलो। हाँ हेलो जी अंकल, नमस्ते, मैं अजय का दोस्त रणधीर बोल रहा हूँ। ओ रणधीर, हम तुमसे ही बात करना चाह रहे थे कि वो अजय का सामान तुम घर पे पहुँचा देते हैं। क्यों अंकल? क्या तुम्हें नहीं पता अजय की बीमारी से 25 दिन पहले मौत हो चुकी है? बस इतना सुनते ही रणधीर के पांव के तले जमीन खिसक गई। उसने अजय के पापा को सारी बात बताई कि अजय उसके साथ ही है और यहीं रह रहा है। अजय के पापा ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसके बात पे भी गौर न किया। रणधीर वापस रूम पे आया और डरते हुए अजय से बोला, क्या तुम सचमुच अजय हो? अजय अब समझ चुका था कि रणधीर को सब पता चल गया है। वो कुछ ना बोला, बस मुस्कुराया और उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। रणधीर को देखा और गायब हो गया और फिर कभी रणधीर को दोबारा नहीं दिखा।